वेट डल रहा है इसमें। विंडो 7 भी मिल जाएगी इसमें, 8 भी मिल जाएगी, जनरल जो आई है वो एक और। वेलकम टू द चैनल, आई होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फाइन। सो आज हमारा ब्लॉग है बेस्ट क्वालिटी लैपटॉप इन लो प्राइस बजट। तो हम आज चलते हैं सेब्रा स्टोर और देखते हैं किस किस टाइप के वैरायटीज के लैपटॉप्स हैं, क्या क्या क्वालिटीज है लैपटॉप्स की और क्या बजट है। सो आज मैं जा रहा हूँ सेब्रा रिफर्निश स्टोर में, ये है डीडी प्लायर में, ये डीडी प्लायर है। यहाँ पे लैपटॉप सेकंड हैंड और रिफर्निश और नए नए लैपटॉप अच्छे रेट में मिलते हैं, अच्छे प्राइस मतलब लो प्राइस एंड बेस्ट क्वालिटी। सो वी आर इन नाउ डीडी प्लाजर मथुरा। तो ये वाला है सेब्रा बुरा ऊपर, ये वाला सेब्रा रिफर्निश स्टोर और यहाँ से स्टेयर्स हैं। ये रहा सेब्रा, सेब्रा एक्सपीरियंस सेंटर। तो अभी चल रहे हैं हम सेब्रा रिफर्निश स्टोर में। हेलो भैया, आई एम शशि। तो मैंने देखा था आपके शॉप पे रिफर्निश लैपटॉप वैरायटीज मिलती हैं, सेकंड हैंड लैपटॉप लो बजट बेस्ट क्वालिटी मिलती है। तो फिर कुछ वैरायटी के लैपटॉप देखना चाहता हूँ और क्या क्या चीज़ आप सेल करते हो और मतलब उनकी वारंटी होती है, उनकी गारंटी होती है, GST जो भी चीज़ है बताओ। मिलता है लैपटॉप, मिलते हैं डेस्कटॉप, मिलते हैं मॉनिटर, मिल जाएगा आपको कीबोर्ड, मिल जाएगा माउस, मिल जाएगा लैंड केबल, मिल जाएगी। और हमारे यहाँ जितनी भी प्रोडक्ट जो मिलेंगे उसकी 6 मंथ वारंटी है इनकी और विद GST बिल। जहाँ जहाँ सेब्रा का अपना स्टोर है वहाँ वहाँ आपको सर्विस मिलेगी 6 मंथ वारंटी का। और उसके अलावा हमारे यहाँ जो हम जो डील करते हैं वो HP में करते हैं, डेल में करते हैं, लिनोवो में करते हैं। जैसे कि आप हाई बजट के जो लैपटॉप हैं सेकंड में या रिफर्निश्ड बेचते हो तो उनकी क्वालिटी लो बजट मतलब कैसी होती है, मतलब ये चोरी का होता है, मतलब कैसे नहीं, मतलब चोरी वगैरह का कुछ नहीं होता। चोरी वगैरह का तो दिल्ली वगैरह में शायद मिल सकता है, वो तो कुछ भी हो सकता है। हमारे यहाँ जो आता है क्या होता है कि कंपनी में जैसे 100 लैपटॉप लगे हुए हैं, 500 लैपटॉप लगे हुए हैं, गवर्नमेंट का एक रूल होता है कि वो लैपटॉप या डेस्कटॉप या कुछ भी लगा होगा वो 3 साल में आपको हटाना पड़ेगा, 3 साल में उसकी लाइफ खत्म हो जाती है, एंड ऑफ लाइफ मानते हैं कंपनी के हिसाब से और गवर्नमेंट के हिसाब से। तो उधर 3 साल में, हर 3 साल में नए लैपटॉप आ जाते हैं। तो उस में क्या होता है, सेब्रा जो हमारी कंपनी है वो उन प्रोडक्ट को 500 हैं 1000 हैं प्रोडक्ट उनको खरीद लेती है बल्क में और मार्केट में उसकी हार्ड डिस्क चेंज करके, क्योंकि हार्ड डिस्क में डाटा होता है तो वो आपका प्राइवेसी लीक ना हो जाए उसके चक्कर में सेल हटानी पड़ती है वो हार्ड डिस्क और रिप्लेस करके अपने मार्केट में सेल करती थी, जिससे कि वो चोरी का लैपटॉप भी नहीं होता। और दूसरी बात ये, इन सब में विंडो लाइसेंस होती है, विंडो 7 लाइसेंस, और उसके अलावा प्रोफेशनल सीरीज होती है लैपटॉपों की। प्रोफेशनल सीरीज़ का मतलब होता है कि एक तो होती होम सीरीज, एक होती प्रोफेशनल सीरीज। प्रोफेशनल सीरीज जो स्टार्टिंग रेंज होती है 60,000 से अबव की सीरीज होती है, तो ये चीप एंड बेस्ट प्राइस में मिल जाती है और हैवी क्वालिटी होती है जिस पे आप वर्क 1 महीने कंटिन्यू काम कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला तो कुछ वैरायटीज दिखाइए आप अपने उसमें रिफर्निश स्टोर में, तो थोड़ा पता चले किस किस वैरायटीज के आपके कंप्यूटर में। हमारे जो स्टार्टिंग रेंज है लैपटॉप की, ये लिनोवो का थिंकपैड मॉडल है,
ये कोर i5 है, 4GB रैम है, 320GB हार्ड डिस्क है और विंडो 7 लाइसेंस है इसमें प्रोफेशनल। उसके अलावा 6 मंथ की वारंटी है विद GST बिल, ये पड़ जाएगा आपको 10,000 रुपये, 10,000 रुपीज़ का। इसकी जेनुइन प्राइस कितनी है? जेनुइन प्राइस 1,20,000 रुपये का आता था, 1,20,000। हाँ, 1,20,000 का आता था। ओके, और ये थिंकपैड लिनोवो का थिंकपैड मॉडल होता है, लिनोवो का थिंकपैड, तो बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है इसकी, जो चलने की प्रोसेसिंग स्पीड होती है और सब कुछ बहुत बढ़िया होता है ये लैपटॉप। आता है डेल का, ये डेल का मॉडल है, डेल लेटेस्ट E6230 मॉडल, 6230। इसमें कोर i5 मिलेगा आपको, 4GB रैम मिलेगी, 320GB हार्ड डिस्क मिलेगी, बस जनरेशन थोड़ी सी हाई हो जाएगी और प्राइस इसकी हो जाएगी 12,000। और 12.5 इंच स्क्रीन है इसकी और बैटरी बैकअप 2.5 से 3 घंटे होता है, 4GB रैम, 320GB हार्ड डिस्क। इसमें सब काम होंगे आपके, ओवरऑल गेमिंग वगैरह नॉर्मल सब काम होंगे इसमें। और MS ऑफिस मतलब लाइसेंस मिलता है या फिर? नहीं नहीं, MS ऑफिस डालना पड़ता है, आप कहेंगे तो चेंज डल जाएगा, नहीं तो पायरेटेड नहीं। तो इसकी भी वारंटी 6 मंथ है? हाँ, लैपटॉप की वारंटी 6 मंथ है, बैटरी की वारंटी 1 मंथ होती है। ओके, और कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आती है 6 मंथ के अंदर तो आप ला के ला सकते हैं और विद 48 घंटे के अंदर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। ओके, 48 घंटे। ओके, और HP में? HP मिल जाएगा। इसकी जेन्युइन प्राइस की? जेन्युइन प्राइस करीब ऐसा होगी आपकी इस मॉडल की 60,000। जी, 60,000। ये HP का आता है ई लाइट बुक। हाँ, ये भी पूरा IPad 3rd generation, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क हो जाती है इसमें, उसमें 320 थी, इसमें 500 हो जाती है, विंडो 7 लाइसेंस, और इसकी प्राइस होगी 14,000 रुपीज़। जी, और मार्केट कॉस्ट 70,000 रुपये करीब होगी विंडो 7 लाइसेंस इसमें। ओके, और 6 मंथ की वारंटी होती है हमारे यहाँ। इसके अलावा एक मॉडल और है हमारे, ये कोर i5 4th generation है HP का, और i5 4th generation, 4GB रैम, 500GB हार्ड डिस्क, विंडो 7 लाइसेंस। जी, बैटरी बैकअप तो वही होगा? हाँ, 2.5 से 3 घंटे होता है। और तो उसमें विंडो 8 डल रहा है? विंडो 7 भी मिल जाएगी इसमें, 8 भी मिल जाएगी, जेनन जो आई है वो 8.1 आएगी इसमें। 8.1? जी, जेनन विंडो जी, वो अपग्रेड होकर विंडो 10 करती है। ओके ओके, विंडो अपग्रेड करके माइक्रोसॉफ्ट की, तो इसकी प्राइस कॉस्ट पड़ जाएगी बस 16,000। जी, और मार्केट प्राइस होगी इसकी 80,000 करीब। 80,000, तो उसके लिए कर सकते हैं। जैसे कि आपने बोला कीबोर्ड और हाँ, तो वो भी रिफर्निश्ड, मतलब उनकी क्वालिटी, उनकी रिफर्निश्ड होते हैं, बहुत बढ़िया क्वालिटी होती है डेल और HP में, मैं आपको दिखाता हूँ। ये HP का कीबोर्ड है, HP का कीबोर्ड है, और कितना भारी आप देखिए, काफ़ी भारी है ये कीबोर्ड, और करीब जो बाजार में आता है 800 से 900 रुपये का प्रोफेशनल सीरीज का कीबोर्ड, और ये हम आपको दे देंगे मात्र 200 रुपये में। 200 रुपये में? हाँ, 6 मंथ वारंटी के साथ। 6 मंथ GST, तो इंक्लूड GST 200 रुपये के अंदर? हाँ, है अलग 200 इंक्लूड GST। ओके ओके, एंड माउस? माउस इसमें डेल का भी मिल जाएगा आपको कीबोर्ड, डेल का भी, जैसे TVS गोल्ड का आता है टाइपिंग के लिए कीबोर्ड, वैसे ही ये कीबोर्ड है, बहुत सॉफ्ट कीबोर्ड है, ये भी आपको 200 का मिल जाएगा 6 मंथ वारंटी के साथ। इसके अलावा हमारे पास मिल जाएगा माउस, माउस HP का, डेल का, सब तरह का मिल जाएगा। तो ये पैकिंग हो क्या रही है, मतलब रिफर्निश, ये भी रिफर्निश्ड है? तो फिर पैकिंग कैसे है? ये ऐसे ही पैकिंग आती है, रिफर्निशन विद बॉक्स आता है, और ये पड़ जाएगा आपको 80 रुपीज़ का। 80 रुपीज़ का, 6 मंथ। और इसकी जेन्युइन वारंटी, मतलब वो प्राइस कितनी है इसकी? इसकी माउस की प्राइस होगी कम से कम 350 रुपये। 350? और ये 80 का? इनकी लाइफ क्या होती है, मतलब जैसे कि जैसे कि ओरिजिनल है 350 रुपये हम दे रहे हैं और फिर 80 रुपये रिफर्निश ले रहे हैं, तो कोई लाइफ तो होगी ना उसमें, उसमें कुछ तो अंतर होगा? नहीं, कुछ नहीं है, बस ये यूज करे वो होते हैं बस ओनली, और लाइफ उनकी भी उतनी होती है, इनकी भी उतनी रहती है, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, इनकी लाइफ चलती रहती है, चलते रहते हैं, खराब बहुत कम होते हैं। ओके ओके, उसके अलावा आपको चार्जर मिल जाते हैं हमारे, चार्जर हर लैपटॉप के मिल जाएंगे या फिर? हाँ, लेनोवो के, HP के, डेल के। ओके, तो चार्जर, मतलब चार्जर का प्राइस थोड़ा डिस्क्रिप्शन थोड़ा इसके। हाँ, ये पड़ जाएगा आपको लेनोवो का ओरिजिनल चार्जर है जी। ओके, इंपैक्ट का, और ये पड़ जाएगा आपको 550 रुपये का,
विद 6 मंथ वारंटी के साथ। और मार्केट प्राइस क्या है इसकी? HP का मिल जाएगा, HP का 550 रुपये का, 6 मंथ वारंटी साथ। तो ये वारंटी की मतलब एक पैरिसी आती है ना, जैसे कि पैरिसी आती है मतलब कॉपी जो होती है, फर्स्ट कॉपी सेकंड कॉपी? नहीं नहीं, कॉपी वाला कोई भी आइटम। तो मतलब जेन्युइन है बट रिफर्निश्ड है? हाँ, रिफर्निश्ड, ओल्ड। ओके ओके, ओल्ड भी बोल सकते हैं, रिफर्निश्ड भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे यहाँ मिलेंगे मॉनिटर, मिलेंगे HP का, ये है 18.5 इंच 18.5 इंच एंड HP कंपनी का है और 6 मंथ वारंटी के साथ है। ये पड़ जाएगा आपको 2600 2600। और मार्केट वैल्यू उसकी? मार्केट वैल्यू करीब होगी 5000 रुपये। 5000 मतलब 50% लेस। 45 to 50% लेस। इसके अलावा आपको मिल जाएगा CPU, आपको मिलेगा Pentium .4, 4GB RAM, 320GB हार्ड है, विंडोज 7 लाइसेंस, उसके अलावा 6 मंथ वारंटी। ओके, और इसकी प्राइस बहुत मिनिमम है 5800 रुपये। 5800 रुपये इसका आपको मिल जाएगा CPU। और इसकी जैसे कि गेमिंग में जैसे प्रोसेसिंग होती है ना, मतलब एकदम ग्राफिक्स का लगा सकते हैं हम, लैपटॉप में नहीं बढ़ा सकते, डेस्कटॉप में बढ़ा सकते हैं। तो इंटरनल इसके अंदर अभी नहीं है इसका, अगर किसी को चाहिए तो वो लगवा सकता है, वो एक्सटर्नल लगा सकते हैं। ओके, उसके अलावा और इसकी मार्केट वैल्यू कितना होगा इसका? इसका मार्केट वैल्यू इस CPU की प्राइस बता रहा हूँ 25000। ओके, ये मिल जाएगा लेनोवो का थिंकपैड है ये। ओके, कोर i5 है, 4GB RAM है, 320GB हार्ड डिस्क, ये पड़ जाएगा आपको 12000 रुपीज़ का। ओके, और विंडोज 7 लाइसेंस 6 मंथ वारंटी के साथ, 6 मंथ वारंटी के संग विंडोज 7 लाइसेंस। हाँ, GST। और हार्ड डिस्क इसमें कितना है? 320 4GB। और मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू होगी करीब आपकी 40000। तो काफ़ी हैवी है मतलब। तो ये हमारे यहाँ आता है ऑल इन वन कंप्यूटर, पूरा कंप्यूटर होता है। इसमें आपको कोर ऑडियो मिल जाएगा 2GB और 320GB। ओके, इसकी प्राइस है आपकी 10000। ये पूरा कंप्यूटर होता है ऑल इन वन, मतलब कुछ मतलब वो लैपटॉप का ही काम करेगा, मतलब कुछ करने का जरूरत नहीं है, कुछ जरूरत नहीं तो है, बैट कुछ इसके अंदर ही होता है, बस कीबोर्ड माउस अलग से लगा। और बैटरी भी इंक्लूड होता है या बैटरी नहीं होती? ओके ओके, मतलब CPU का CPU इंक्लूड ही रहता है इसके अंदर। तो इसका प्राइस, इसकी स्पेसिफिकेशंस, जैसे कोर टू डी प्रोसेसर है इसमें, 2GB RAM है, 320GB हार्ड डिस्क, 320GB हार्ड डिस्क, और ये पड़ जाएगा 10000 रुपीज़ का, आपको 6 मंथ वारंटी है विद GST। ओके, मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू होगी करीब इसकी 40000। चालू करके थोड़ा, ओके ये सैंपल, ओके ओके चालू, ये ओपन आप चेक कर सकते हैं। तो उसकी जो विंडो प्रॉपर्टी देखिए, 2GB RAM है, कोर टू डी प्रोसेसर है, विंडो प्रोफेशनल लाइसेंस है, ओके विंडोज एक्टिवेटेड OEM वर्जन। तो ये भी उसी रेंज में? हाँ बिल्कुल सेम चीज़ है। तो ये कितने का मतलब है? 10000 40 मार्केट वैल्यू भी वही है। हाँ, ओके, ऐसे ही ऐसे CPU मिल जाएगा, ये मिलेगा डेल का मिल जाएगा CPU, कोर i3 है ये, 4GB RAM, 320GB हार्ड डेल का, कौन सा वो है मॉडल? डेल ऑक्टोपस 3010, कोर i3 है ये, ओके, 4GB RAM, 320GB हार्ड डिस्क, और इसकी प्राइस है आपकी 12000। ओके, वो 12000 का, ये 12000, बस अंतर ये है कि वो डेल का है, वो लेना होता है। और बाकी तो हमारे पास लैन केबल मिल जाएंगे आपको, जैसे लैन केबल मिल जाएगी, नेक्सस कंपनी होती है, जैसे यहाँ पर डेलिंग चलती है, मतलब US में नेक्सस चलती है, वो मिल जाएगा 3 मीटर की केबल मिलेगी 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ की जी। मार्केट वैल्यू की क्या है मतलब? मार्केट वैल्यू तो कम से कम 250-300 रुपये होगी। तो मतलब ये भी रिफर्बिश नहीं है, ये न्यू है। अच्छा, ये न्यू है, इम्पोर्ट की हुई है दोनों चीज़। अच्छा, ये रिफर्बिश नहीं है, वही रिफर्बिश है, वैसे ही इम्पोर्ट की। ओके ओके, जितना भी हमारे यहाँ सामान है वो इम्पोर्ट का कोई भी मटेरियल नहीं है। ओके, लैन केबल को छोड़कर, ओके, जितना भी माल है सब इंडियन माल है। ओके, तो जैसे कि बहुत, जैसे दिल्ली में मार्केट है चांदनी चौक में, गफर मार्केट में, तो वो लोग इम्पोर्ट करते हैं, तो इम्पोर्ट में मैक भी मिलता है, मैकबुक। हाँ हाँ, तो हमारे यहाँ मिल जाएगा, लेकिन इंडियन वाला मतलब इम्पोर्ट का माल नहीं है। इम्पोर्ट का माल हमारे यहाँ इम्पोर्ट का माल आता नहीं, क्योंकि इम्पोर्ट के माल में ये होता है कि एक तो वारंटी नहीं दे पाते, क्योंकि इम्पोर्ट का माल होता है, दूसरी बात ये है कि वो उसमें जेन्युइन विंडो इन सब में आया है। ओके, उसमें जेन्युइन विंडो होती तो हम यूज़ नहीं करते इंडिया में। ओके ओके, तो जेन्युइन विंडो का फर्क पड़ जाता है, उसके अलावा वारंटी का। ये भैया का विजिटिंग कार्ड है और अंशुल गर्ग भैया का नाम है, पहला वाला नंबर भैया का है, तो आप डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं गोयल डिस्ट्रीब्यूशन। और ये जो लैपटॉप है परचेज कर लिया है मैंने, अबाउट 16000 अमाउंट है इसका, तो भैया इसे पैक कर दीजिए, सो ले लेते हैं हम लोग। ओके, तो अब हम लोगों ने भी एक परचेज कर लिया है और आप भी कर सकते हो अगर आपको पसंद हो तो।
चाहे जैसे कि एक लो प्राइस बजट में अच्छा लैपटॉप है तो रिफर्निश सेवला रिफर्निश स्टोर है, तो उसके बारे में मैंने बताया, डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं खुद यहाँ से एक लैपटॉप परचेज कर रहा हूँ फॉर माई फ्रेंड, पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और अपने फ्रेंडों को शेयर करो जिन्हें नीड्स है लैपटॉप्स की, लो प्राइस बजट में अच्छी क्वालिटी की लैपटॉप की नीड्स है, तो वो उनको वीडियो शेयर भी करो। एंड इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डू सब्सक्राइब माई चैनल।